टुडेज टॉपिक इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और इसमें पी ऑफ पी एंड क्यू जो है वो इंटीजर्स होते हैं और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर होगा। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं कैसे होगा। P एंड Q जो है इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि हम लिख सकते हैं इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास अगर नंबर लाइन में हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये होता है ज़ीरो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये ऐसे कंटिन्यूसली चल कंटिन्यू है और यहाँ पे हमारे पास -1, -2, -3 तो ये सारे जो होते हैं ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। सो आपको कह रहे हैं कि पी बाई क्यू की फॉर्म लिखा जा सकता है, ये पी एंड क्यू इंटीजर्स है। अब हम इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं, 3/4 यानी कि कोई इंटीजर्स भी आ सकता है इनमें। सो पी बाई क्यू की फॉर्म में, और हमने एक बात का ख्याल रखना है कि क्यू जो है ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो जो इंटीजर्स में तो ज़ीरो इंक्लूड होता है लेकिन यहाँ पे जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसमें हमने ज़ीरो नहीं लिखना नीचे, यानी कि 3/0 ये आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये फिर इसकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो इंटीजर सारे शामिल हैं, बस इसमें से जीरो जो है वो इंक्लूड नहीं है, बाकी जो है इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी शामिल है और नेगेटिव इंटीजर्स -1/2, -5/7, -3/4 ये भी इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव नंबर्स भी। सो हमें ये हो गए इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को लिखने के कई मल्टीपल वेज हैं। इंटीजर्स को हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये हमने लिखा है ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। इसके अलावा हम डेसिमल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 इक्वल होता है 0.5 के। 1/2 को आप डिवाइड करके देखें तो ये इसका आंसर आएगा 0.5। और हमें सिमिलरली 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25, इसको हम डिवाइड करके देखें 1 को 4 पे तो इसका आंसर आ रहा है 0.25। सिमिलरली 7.5 को हम लिख सकते हैं 1.4। सो इस तरह हम लोग इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकते हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं इसमें। सो ये हमारे पास हो गए रैशनल नंबर। और अब हम लोग जो कोई भी नेचुरल नंबर है उनको हम लोग भी लिख सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में। कोई भी हमारे पास नंबर है 5, इसको हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है तो नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो ये रैशनल नंबर बन गया। किसी भी नंबर के नीचे 7 है हमारे पास, नीचे 1 लिख दें तो ये भी रैशनल नंबर बन गया। सो जो भी नेचुरल नंबर्स हैं यानी कि 1, 2, 3, 4 इसको हम लोग रैशनल फॉर्म के में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो ये भी रैशनल नंबर बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके, यानी कि जैसे हमने 1/2 लिखा था ये रैशनल नंबर था। सो हम ये जो इरेशनल नंबर होगा इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी पी बाई क्यू यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। सो ये और ये होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √2, √5 ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली 3+√5 इन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस वजह से इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। हमारे पास अब हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करने लगे हैं, पेज नंबर 15 पे है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं ना, हमने वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट 5 रैशनल नंबर्स हुज वैल्यू इज स्मॉलर देन 1। हमने ऐसे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जिनकी वैल्यू जो है वो 1 से कम हो। अब हम लिख लेते हैं इसमें फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं 1.5, इसकी वैल्यू जो है वो 0.2 है। हम लिख लेते हैं 3/5, इसकी वैल्यू है 0.6। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं 1.4, इसकी वैल्यू है 0.25। नेक्स्ट 2/5, इसकी वैल्यू है
0.4, नेक्स्ट वाली जो थी 3/8, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.375। तो हमने 5 रैशनल नंबर लिख लिए हैं जिनकी वैल्यूज हैं स्मॉलर देन 1 है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर टू p/q फॉर्म। हमने जैसे पिछले लेक्चर में किया था कि रैशनल नंबर को लिखने के कई मेथड होते हैं, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे होल और फ्रैक्शन की मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इसके कई मेथड लिखने के, सो हमने इसको अब इसका जो p/q फॉर्म है इसे हमने इस फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है इन सबको। सो फर्स्ट हमारे पास है 3 होल है और 1/4 इसका है वो फ्रैक्शन की फॉर्म। सो इसको हमने सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ये कैसे होगा, इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 में 1 प्लस करें तो 13/4, ये इसकी p/q फॉर्म हो गई। नेक्स्ट हम इसको कन्वर्ट करेंगे 7 to 14 में 1 प्लस किया 15 और 15/2, डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, और ये 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 में हम 1 प्लस करते हैं तो 15 आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल फॉर्म है, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है 0.75। सो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग लिखेंगे 7.75/100, ये पॉइंट हम एलिमिनेट कर देते हैं, इसलिए हम 1 लिखते हैं, और फिर ये जो 2 इसके डिजिट्स होते हैं इनकी जगह हम 0 लिख देते हैं। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये मेथड किया हुआ है। सो नेक्स्ट हम फिर इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको हम लोग करें अगर 5 पे इन दोनों को कट कर दें, 5 3s are 75 and 5 20s are 100। नेक्स्ट फिर ये हो जाएगा, कट हो जाएगा 5 3s are 15 and 5 4s are 20। सो 3/4 जो है इसकी फॉर्म है फ्रैक्शन की फॉर्म में, हमने p/q की फॉर्म में इसको कम्प्लीट, इसको हमने चेंज कर दिया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ये मजीद अब आगे इसको हम कट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है 2.6, सो हम इसको लिखेंगे 26/10। ये पॉइंट को हमने ख़त्म किया, इसलिए हम 1 आ गया और 6 की जगह हमने 0 लिख दिया। सो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6 and 2 5s are 10। सो इसकी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 13/5, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट है ओनली हमारे पास एक नंबर गिवन है 9, इसको हमने p/q की फॉर्म में चेंज करना है ताकि रैशनल नंबर बन जाए। तो हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज हो गया p/q, तो अब इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास राइट एनी 5 इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमने कोई से भी 5 लिखे हैं, तो आप कोई से भी 5 लिख सकते हैं, √3, √5 लिख लें, 3 + √3 लिख लें, 4 + √2 लिख लें, एंड कोई भी लिख लें, √9 लिख लें। सो हम लोग हमारा ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी पेज नंबर 15 पे। आज के लेक्चर में हमने इरेशनल नंबर रैशनल नंबर कुछ एग्जांपल्स की और उसको लिखना हमारा सीखा। तो टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।